अगर आप क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट हो, रोले परमे और मध्यमान परमे, लैग्रांजे मध्यमान परमे को जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देख करके आप रोले परमे और लैग्रांजे मध्यमान परमे से आने वाले किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। यहाँ पर इनके आप स्टेटमेंट को जान सकते हैं। तो चलिए पहला हम जानते हैं रोले थ्योरम। रोले थ्योरम रोले पर में सर, इसका कथन लिखिए तो स्टेटमेंट। और रोले थ्योरम रोले पर में स्टेटमेंट इसका क्या है कि इफ एफ इज ए फंक्शन, यानी एफ कोई क्या हो, एक फलन हो, एफ कोई एक क्या हो, फलन हो, तो इसका पहला देखो पहला कथन क्या है, ये इस प्रकार से कि कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल, समझ गया ना, क्लोज इंटरवल ए बी, यानी ये जो है सांतत्य, क्लोज इंटरवल में क्या होना चाहिए, सांतत्य। अब दैट इज कंटिन्यूअस इन ईच पॉइंट इन द इंटरवल, यानी ए से लेकर के मतलब बी तक जितने भी बिंदु आएंगे सभी बिंदु पर क्या होना चाहिए, सांतत्य। ईच पॉइंट है ना जी, प्रत्येक बिंदु पर। उसके बाद है डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, डिफरेंशिएबल किस में होना चाहिए, ओपन इंटरवल ए बी। अब ओपन इंटरवल का क्या अर्थ होता है, जैसे ए और बी है ना, तो ए और बी को छोड़ करके ये शुरुआत वाला मान जो है ना इससे थोड़ा सा ज्यादा, समझ गया ना, ये जो बी है इससे थोड़ा सा कम, इसके बीच में जितने भी पॉइंट जितने भी बिंदु मिलेंगे प्रत्येक बिंदु पर क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, समझ गए है ना, ये अवकलनीय होना चाहिए। तो ये अगर क्लोज इंटरवल में क्या होता है, समतल, उसके बाद ओपन इंटरवल में क्या हो जाए, अवकलनीय, समझ गया ना, हिंदी में लिखना चाहेगा पहला पॉइंट ऐसे लिख देगा, समझ गया ना, सबसे एकदम आसान नियम, ये जो है फलन वहां पर एफ एक्स, जो सवाल मेरे एफ एक्स क्या है, समतत है क्लोज इंटरवल ए बी में, फिर दूसरा पॉइंट देगा अवकलनीय है, समझ गया ना, खुला अंतराल, ओपन इंटरवल मतलब क्या हो गया, खुला अंतराल, और क्लोज इंटरवल मतलब होता है बंद अंतराल, तो खुला अंतराल ए बी में इधर का पॉइंट नहीं भी लिखेगा ना, कोनो बात नहीं है, लेकिन ये विस्तृत थ्योरी के लिए हम आप लोगों को लिखाते हैं, कितना उतार लीजिए जब हो जाएगा तो आपको एक पॉइंट जो है सी फाइंड करना है, क्या करना है, सी फाइंड करना है, मतलब एफ ए बराबर एफ बी देन देयर, देन देयर विल बी, देन देयर विल बी एटलीस्ट वन पॉइंट सी इन द इंटरवल ए बी सच डेट एफ डैश सी बराबर जीरो, मतलब एफ ए बराबर एफ बी हो जाएगा, तब क्या करना है कि फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट कर देना है, समझ गया ना, डिफरेंशिएट करने के बाद क्या करना है, एफ डैश सी बराबर जीरो, एक्स की जगह क्या करना है, सी बैठा देना है, बराबर जीरो कर देंगे, और उसके बाद गुणनखंड विधि से हम क्या करेंगे, गुणनखंड या सूत्र का अप्लाई करके सी का मान फाइंड कर लो, वह जो मान होगा आपको ए और बी के बीच में प्राप्त होगा, ए और बी के बीच में यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकता है। क्वेश्चन है कि वेरीफाई रोलेस थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स बराबर फंक्शन आपको इतना दिया है, इन इंटरवल क्या है टू थ्री, समझ गया ना, तो ये फलन है, ये इंटरवल है, समझ गया ना, तो इस फलन और इस इंटरवल में क्या करना है, रोले थ्योरम को वेरीफाई करना है, समझ गया ना, ये वेरीफाई होता है कि नहीं होता है। तो देखिए इनका हम सोल्यूशन करेंगे, तो सोल्यूशन का नियम क्या, ये जो एफ एक्स है ये कौन फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल है ना जी, एफ एक्स क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, एफ एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए यह क्या होगा, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल टू थ्री, समझ गया ना, ये रोले थ्योरम का पहला कथन जो है उसको जो है ये वेरीफाई, मतलब उनको जो है सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। अब दूसरा देखिए एफ एक्स क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, ये जो एफ एक्स है ये डिफरेंशिएबल भी होगा, ओपन इंटरवल ये देख रहे हैं, ओपन इंटरवल किस में, टू थ्री में, इसके बीच का जो भी मान रखेंगे उसमें ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। और तीसरा जो आखिरी कथन होता है वो होता है कि एफ ए बराबर एफ बी, तब चेक क्या करना है, एफ ए बराबर एफ बी, एफ ए बराबर एफ बी
मतलब यहाँ पर ए का मान क्या है दो, बी का मान क्या है तीन, तो एफ दो का मान निकाल रहे हैं, समझ गया ना। एफ टू का मान, एफ टू का मान क्या निकल के आया, जैसे एफ टू रखे, एफ टू यहाँ पर जैसे रखे तो देखिए फंक्शन क्या है ये न है, तो यहाँ टू रखेंगे तो यहाँ पर भी टू होगा, यहाँ पर भी क्या होगा टू होगा, तो यहाँ पर टू रखेंगे तो टू का क्या होगा होल स्क्वायर, ये आपको माइनस हो गया, ये आपका क्या हो गया फाइव, ये एक्स है ना, एक्स की जगह क्या रखोगे टू रखोगे, ये प्लस हो गया, ये क्या हो गया सिक्स हो गया, तो दो दूनी क्या हो गया चार, पांच दूनी दस, दो चार दस, दस में से दस गया क्या हो गया जीरो। अब क्या होगा एफ थ्री क्या निकालना है, एफ थ्री क्योंकि बी एफ ए एफ बी पता है ना, एफ थ्री तीन का स्क्वायर माइनस फाइव गुना क्या होगा थ्री, प्लस क्या होगा सिक्स, और देखिए नौ छो क्या हो गया पंद्रह, पंद्रह में से पंद्रह गया क्या हो गया शून्य, दोनों का मान शून्य, इसके लिए एफ टू और एफ थ्री आपस में क्या होगा बराबर होगा। अब देखिए रोले थ्योरम जो है ये वेरीफाइड हो गया है, अब रोले थ्योरम क्या हुआ है, यानी इनका जो तीनों कथन था, तीनों कथन को क्या किया फ्लो कर दिया, कर दिया ना फ्लो। अब आपको लिखना है नाउ देन देयर विल बी एट लीस्ट वन पॉइंट सी, समझ गया ना, होगा ये आपको होगा किसके बीच में, दो के बीच में, टू और थ्री के बीच में। अब देखिए सच डेट एफ डैश सी बराबर क्या होगा जीरो, अब देखिए एफ डैश सी बराबर जीरो, एफ डैश सी बराबर जीरो करके अब सी का मान फाइंड करेंगे, सी का मान क्या करेंगे फाइंड करेंगे, तो देखिए कैसे सी का मान फाइंड करेंगे, तो सी का मान फाइंड करने के लिए यहाँ पर एफ डैश सी बराबर क्या है जीरो है, इनको मिटा दे, इनको देखो हम मिटा देते हैं, देखिए आपको क्या निकालना है, एफ डैश सी बराबर क्या होता है जीरो होता है जी, तो जैसे एफ डैश आ गया तो पहले तो आप इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्राप्त कर लो, समझ गया ना, एक्स स्क्वायर का क्या होगा टू एक्स, ये माइनस यहाँ पर होगा ही पांच हो गया ना, एक्स का क्या होता है एक होता है, छो का क्या हो गया जीरो, तो टू एक्स माइनस क्या हो गया फाइव, तो ये किसका मान हुआ एक्स का हुआ ना जी, इनको मान लीजिए समीकरण एक, इनको हम समीकरण क्या मान लेते हैं एक। अब देखिए तो यहाँ पर क्या है ये सीन है, आपको क्या करना है एवडेस कर देना है, एक्स की जगह क्या रखना है सी, तो यहाँ एक्स है तो ना एक्स है, तो यहाँ पर क्या होगा सी रखेंगे तो सी है माइनस फाइव। अब देखिए समीकरण एक से क्या कर कीजिएगा, समीकरण एक से तो समीकरण एक से तो एफ डैश सी है ना जी, एफ डैश सी की जगह क्या रखेंगे जीरो, क्यों जीरो रखेंगे क्योंकि समीकरण, हाँ ये एफ डैश सी आया कहाँ से, तो तीसरा कथन से आया, कहाँ से आया तीसरा कथन जो है ना उससे आया, क्योंकि एफ ए बराबर जब एफ बी भी हो जाता है तब आपको क्या होता है एफ डैश सी बराबर जीरो होता है, तो एफ डैश सी बराबर क्या करना है जीरो, इसका मान हो गया जीरो, ये आपको हो गया टू सी माइनस फाइव, या टू सी बराबर क्या हो गया फाइव, या सी बराबर क्या हो गया फाइव बाय टू, फाइव बाय टू क्या होता है अढ़ाई न होता है जी, अढ़ाई हो गया ना। अब ये देखो अढ़ाई जो है दो और तीन के बीच में आएगा कि नहीं आएगा, तो देखो एक बिंदु जो है सी प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, जब तीनों उसके कथन को पूरा कर दिया, तीनों कथन उसका स्टेटमेंट पूरा हो गया, तो एक मान सी जो है आपको निकला कि नहीं निकला, जो दो और तीन के बीच में आया ना, तो यही मान फाइंड करना था, हो गया ना, तो रोले थ्योरम को वेरीफाई करने था करना था, हो गया वेरीफाइड कि नहीं हो गया, एफ एक्स बराबर इफ एफ एक्स बराबर आपको कोस एक्स है, कोस एक्स और ए बराबर आपको है माइनस पाई बाय टू, बी बराबर है पाई बाय टू, देन फाइंड सी ऑफ द रोलेस थ्योरम, ऑफ द रोलेस
समझ गया। तो यहाँ पर आपको जो है एक फलन दिया है, यहाँ पर फलन दिया है ए और बी का भी मान दिया है, और कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू सी, सी वैल्यू फाइंड करना है किसकी मदद से, रोले थ्योरम की मदद से। तो यहाँ पर तो डायरेक्ट आपको वेरीफाई रोले थ्योरम नहीं कह रहा है करने के लिए, तो वेरीफाई करने के लिए कहता तो वही तीनों स्टेटमेंट जो लिखा है तो लिखता, लेकिन यहाँ पर वेरीफाई रोले थ्योरम लिखा हुआ है नहीं है, सिर्फ वैल्यू सी फाइंड करना है, सिर्फ क्या करना है वैल्यू सी फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप सोल्यूशन देंगे, क्या देंगे सोल्यूशन। देने के पश्चात एफ डैश एक्स निकालिए, ये एफ एक्स बराबर आपको क्या है कोस एक्स है ना, तो आप क्या करेंगे एफ डैश एक्स करेंगे तो माइनस क्या हो गया साइन एक्स हो गया ना। अब देखिए एफ वाई वाई एक बार क्या कीजिए माइनस पाई बाय टू रखिए, क्या रखिए तो यहाँ पर माइनस पाई बाय टू रखिए कोस माइनस पाई बाय टू, इसका मान क्या होगा जीरो, क्या होगा जीरो, क्योंकि कोस माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है, कोस माइनस थीटा बराबर क्या होता है। और दूसरी बार क्या रखिए पाई बाय टू, ये कोस क्या हो गया पाई बाय टू हो गया ना, तो ये एफ कोस माइनस पाई बाय टू का जीरो क्या होगा, माइनस हटेगा तो पाई में से घटेगा ना, ये रे तू तो चौपट कर भी है ना, मैं तू इनवर्स में है छे काय, वो क्या होता है इनवर्स में होता है, सही बोल ठीक। देखो कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है पाई माइनस कोस इनवर्स, ये इनवर्स के लिए होता है समझ गया ना, ये कोस माइनस एक्स बराबर क्या होता है कोस एक्स होता है, क्यों होता है एक्स, अगर माइनस एक्स है तो इसका अर्थ है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए कोस माइनस एक्स बराबर क्या होता है कोस एक्स होता है, साइन सब रहेगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस क्या होगा बाहर आ जाएगा, इसलिए एफ माइनस पाई बाई टू, यहाँ पर माइनस पाई बाई टू का मान क्या हो गया जीरो, पाई बाई टू तो कोस पाई बाई टू का मान क्या हो जाएगा जीरो हो गया ना, ये हम लिख सकते हैं ना एफ माइनस पाई बाई टू बराबर एफ पाई बाई टू जीरो। तो देखो एफ ए बराबर एफ बी हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब आप देखिए रोले थ्योरम क्या कहता है एफ डैश सी बराबर जीरो जीरो कहता है ना, तो एफ डैश सी, तो एफ डैश सी देखिए इस फंक्शन से ना आएगा जी, फंक्शन का जो हम डिफरेंशिएट किए ये जो मान एफ डैश एक्स प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर आप क्या बैठा देंगे सी बैठा देंगे ना, तो यहाँ पर आप सी बैठाएंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा सी होगा ना, तो क्या होगा माइनस साइन सी बराबर जीरो। अब देखिए तो जीरो से इधर गुना कर दीजिए साइन सी बराबर क्या हो गया जीरो, अब तो साइन में कितने डिग्री का मान जीरो होता है जीरो का ही होता है, तो सी बराबर क्या हो गया जीरो। अब देखिए जीरो जो है आपको माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू के बीच में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा क्यों आएगा, क्योंकि पाई बाय टू का मान क्या होता है माइनस नब्बे, ये क्या होता है प्लस नब्बे, तो माइनस नब्बे और प्लस नब्बे के बीच में जीरो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। देखो फाइंड हो गया सी की नहीं फाइंड हो गया,